नंबर वन की देश, नंबर टू की सिलेंडर्स देखिए, स्प्रिंग स्प्रिंग लिखिए, बैरल ये डबल आर एस बैरल लिखिए, प्लंजर प्लंजर पी एल यू एन जी आर प्लंजर प्लंजर, अब आप लिखिए के बी आर जी मैडम ऐसे के बी आर डॉट पर आइए, रेशो का सैंपल लिखिए, अब आप लिखिए 99% और 1%, अब आप लिखिए ग्राइंड के बी आर एंड सैंपल, ग्राइंड के बी आर एंड सैंपल एंड सैंपल एंड कीप इन हैंड प्रेस, वो हैंड प्रेस कहलाता है ठीक है, कीप इन हैंड प्रेस, अप्लाई प्रेशर, अप्लाई प्रेशर 20 to 30 किलो न्यूटन, कैपिटल के कैपिटल एन के न्यूटन, एंड होल्ड फॉर अबाउट 3 to 5 minutes, रिलीज प्रेशर के बी आर डिस्क इज रेडी, ठीक है बेटा, ये पूरा मैंने लिफाफा भी इसलिए दिया कि ताकि आपको याद रहेगा और समझा भी दिया। अच्छा हम देखें वो जो अपना लिक्विड सैंपल होता है उसका हम कैसे करेंगे, लिक्विड सैंपल का उस लिक्विड को हम इसमें कोड नहीं कर सकते ठीक है, नाजिस बनेगी उसकी, उसमें क्या करेंगे खाली के बी आर का डिस्क बनाएंगे, खाली ब्लैंक के बी आर की ठीक है, ठीक है डिस्क बनाते हैं उसको सैंपल होल्डर जो जिसमें हमने डिस्क रखी थी उसके ऊपर एक ड्रॉप कोड कर देंगे और कोशिश करेंगे वोलेटाइल कंपोनेंट्स के अंदर अपना हम डिस्क बनाएँ, वो एवेपरेट हो जाएगा सैंपल उस पर आ जाएगा तो हम इस तरीके से ले लेंगे। अच्छा पॉलीमर्स का हम किस तरीके से लेंगे, जैसे प्लास्टिक शीट से कोई भी उसको डायरेक्ट हम उसको तो के बी आर के साथ ले जा सकते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट के बी आर के उस जो होल्डर है ना उसका के बी आर का जो होल्डर उसके अंदर हम खाली अपना पॉलीथीन रख देंगे उसको और डायरेक्ट इस तरह ले लेंगे, तो पॉलीमर का इस तरीके से ले लेंगे, तो बस ये 2-3 तरीके है ठीक है बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।